नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत देश में आए 14 लोगों को बुधवार को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में पहले 14 लोगों को CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा और इस लोकसभा चुनाव में CAA एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। भाजपा ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो CAA कानून को रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CAA के खिलाफ बात करती है और बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर CAA लागू करके रहेंगे। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण CAA कानून है। CAA कानून है और आपने देखा होगा कल ही CAA कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लौट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी के बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली।